फ्री फायर हो या फ्री फायर मैक्स, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो काफ़ी दिनों से हमारे गेम में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है, खास करके फ्री फायर में जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जिनके पास फ्री फायर है और वो लोग खेल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है, चाहे उनका डिवाइस कैसा भी हो। तो आज इस वीडियो में ना हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो और अपने गेम के लैग और फ्रेम ड्रॉप को कम कर सकते हो। अगर तुम्हारा भी डिवाइस लैग करता है, तुम अच्छे से गेम नहीं खेल पाते हो ना, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। क्यों तुम्हारा डिवाइस लैग करता है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका सलूशन क्या है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो पहले ना क्या करना है, अपने वीडियो को कर देना है एक लाइक, जो कि हमारा 444 लाइक का टारगेट है जिसे तुम्हें कंप्लीट करवाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसी तरह का वीडियो जब मैं आगे डालूंगा तो नोटिफिकेशन तुम तक जाना चाहिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे फ़ोन हमेशा लैग क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न अगर हमको पता चल गया ना फिर हम सलूशन बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। तो गाइज़ फ़ोन हमारा लैग आखिर होता ही क्यों है, तो मेन रीज़न है गाइज़ फ़ोन का हीट होना। और हमारा फ़ोन जो है ना वो काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है जिस वजह से हमें गेम के अंदर बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है और काफ़ी फ्रेम ड्रॉप भी होता है, तो खेलने में मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो गाइज़ हमारा फ़ोन इतनी जल्दी हीट क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फुल होता है। जैसे मेरा फ़ोन है 6GB और 64GB वाला वेरिएंट, तो 64GB में से मुझे मिला है 49GB मैं यूज कर सकता हूँ, और 49GB से मैंने लगभग ऐसे 44 या फिर 45GB तक मैंने यूज कर चुका हूँ, तो सिर्फ 3 से 4GB का स्टोरेज मेरे फ़ोन में बाकी रहा है। तो जब भी मैं गेम खेलता हूँ ना ये फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है और काफ़ी लैग भी देखने को मिलता है जब मैं फुल मैप खेलता हूँ। तो इवन मेरा 6GB रैम वाला फ़ोन है और अच्छा सा प्रोसेसर भी है फिर भी मेरा लैग देखने को मिलता है। तो फिर मैंने अपने फ़ोन के स्टोरेज को क्लीन करना चालू किया, जो भी मेरे पुराने वीडियोस थे फ़ोटोज़ थे उन्हें मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया, और यहाँ पे जो भी ऐप्स मैं यूज़ नहीं करता हूँ ना जो बेकार में पड़े रहते हैं फ़ोन में उन ऐप्स को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने क्या करा कि जो भी मैंने ऐप्स यूज कर रहा हूँ जैसे इंस्टाग्राम हो गया यूट्यूब वगैरह हो गया, तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ और मेरे यहाँ पे सारे ऐप सेटिंग में आ जाता हूँ, तो जितने भी ऐप्स मैंने इंस्टॉल किए हैं सब यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो क्लियर कैच लिखा हुआ ना ये वाला डेटा देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ये ले रहा है यहाँ पे स्टोरेज को। तो ऐसे मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ क्लियर कैच, तो इसी तरीके से मैंने सारे ऐप्स को मैंने यहाँ पे क्लियर कैच कर लिया। तो ये काम भाई तुम लोग भी कर लेना ताकि तुम्हारा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्री हो जाए। और याद रखना अगर तुम्हारा 64GB वाला वेरिएंट है ना और तुम्हें मिलेगा 49GB यूज करने के लिए, तो 49GB से ना तुम्हें यहाँ पे लगभग यहाँ से 15GB तक फ्री रखना है ताकि तुम्हारा फ़ोन अच्छे से चले और गेम भी बहुत बढ़िया चले। और उसी तरीके से अगर 32GB वाला स्टोरेज है तुम्हारा तो यहाँ पे तुम्हें लगभग 8GB फ्री रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम्हारा स्टोरेज फ्री रहेगा उतना ही स्मूथ तुम्हारा फ़ोन चलेगा, और जितना स्मूथ तुम्हारा फ़ोन चलेगा उतना ही बढ़िया तुम्हारा गेम चलेगा। तो गाइज ये हमारा टिप 1 हो गया जो कि स्टोरेज को लेकर था, जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें स्टोरेज को फ्री रखना है और कैसे रखना है वो भी बता दिया। अब चलते हैं सेकंड वाला टिप में जो कि गेम के अंदर के कुछ चेंजेस करते हैं। जब भी तुम फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करोगे ना उसके साथ ही तुम्हें कुछ एडिशनल फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है जो हमारा एक्सपेंशन पैक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमारा एक्सपेंशन पैक है उनमें से सिर्फ मुझे जो ड्रेसेस चाहिए यानी मैं बस एक ही ड्रेस पहन के खेलता हूँ तो उसी ड्रेस को मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, तो बाकी का कोई भी ड्रेस मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा। और सेम यहाँ पे जो पेट सेक्शन पे होता है ना जो पेट मुझे चाहिए सिर्फ उसी पेट का स्किन को डाउनलोड करूँगा, बाकी किसी को भी नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैप की बात आ गई भाई, तो मैं यहाँ पे सिर्फ परगेट्री और बरमुंडा सिर्फ दो ही मैप डाउनलोड करूँगा क्योंकि बाकी मुझे पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता मुझे खेलने में, क्योंकि फ़ोन तो है नहीं अच्छा तो खेल नहीं सकते, तो इसलिए मैं सिर्फ दो ही मैप यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने एक्सपेंशन पैक जो कि 1.2GB के करीब होता है ना उसे मैं यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस कर लूँगा, सिर्फ 200-300MB के अंदर मैं इसे चला लूँगा काम अपना। तो इस तरीके से मैं अपने गेम को डेटा को थोड़ा कम कर लूँगा, जितना ज़्यादा डेटा कम होगा ना उतना ही अच्छा स्मूथली मेरा गेम चलेगा। तो गाइज़ ये तो बात हो गई गेम का डेटा हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो आगे बात करते हैं जब भी तुम लोग गाइज रिकॉर्डिंग करते हो ना अपना गेम प्ले को उस टाइम पे भर भर के लैग होता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, फ़ोन फेंक के चले जाते हो, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमको रिकॉर्डिंग भी करना है और हमें लैग भी बिल्कुल नहीं देखना है, तो उसके लिए भाई ये वाला वीडियो जाके तुम लोग देख सकते हो। चाहे कितना भी लो एंड डिवाइस हो तुम्हारा, तुम लोग एकदम हाई FPS हाई ग्राफिक के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये वाला वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गेम के ग्राफिक के सेटिंग के बारे में। तो अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड डिवाइस है तभी तुम लोग हाई ग्राफिक के साथ खेल सकते हो, लेकिन हमारा जैसे लो एंड डिवाइस में अगर तुम लोग खेल रहे हो ना तो भाई ग्राफिक सेटिंग के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ दिनों पहले खेल रहा था यहाँ पे अल्ट्रा हाई FPS पे,
लेकिन अभी फ़ोन इतना सपोर्ट नहीं करता अल्ट्रा ग्राफिक को, क्योंकि हल्का सा लैग वगैरह होता है, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पर आ गया। तो इसी तरीके से अगर तुम स्टैंडर्ड पर खेलते हो और तुम्हारा लैग होता है तो फिर तुम्हें स्मूथ में आ जाना है, और इसी तरीके से तुम्हें ग्राफिक सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर फिर भी ना अगर तुम स्मूथ पे खेल रहे हो फिर भी तुम्हारा लैग वगैरह हो रहा है ना, तो ये होता है सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेस की वजह से। जब भी तुम गेम खेलते हो उसी सेम टाइम पे ना बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं, तो उन ऐप्स को अगर तुम ब्लॉक करोगे तो फिर तुम्हारा गेम सही से चल पाएगा। उन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन पे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर तुम्हें मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, और ये होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट पे, यानी 2-3 ऐप्स यहाँ पे बैकग्राउंड पे ऑलरेडी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कर लेना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस, यानी कोई भी ऐप तुम्हारे बैकग्राउंड पे नहीं चलेगा। ये सेटिंग करने के बाद गाइस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है कि अगर तुम गेम खेलते टाइम मिनिमाइज़ करके किसी दूसरे ऐप में स्विच करते हो तो तुम्हारा गेम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, दोबारा से तुम्हें रिकनेक्ट करके आना पड़ेगा। ये बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना गाइज, अगर तुमने बाई चांस गेम को मिनिमाइज़ करके दूसरे ऐप में चले गए तो फिर गया गेम, फिर से तुम्हें रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज ये सब कुछ सेटिंग्स थे जो तुम यूज कर सकते हो अपने फ़ोन के यहाँ पे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करके अपने गेम में लैग वगैरह को कम करने के लिए। अगर फिर भी तुम्हारा लैग होता है ना स्मूथ पे खेलते हो और ये सारे सेटिंग भी करते हो ना फिर भी अगर लैग होता है तो भाई तुम्हारे फ़ोन का टाइम आ गया, अब उसमें कुछ नहीं होने वाला, तो नया फ़ोन लेने की तैयारी कर लो। तो गाइज मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रुको रुको, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए ना लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी से आ जाना।